आज हमारे चैप्टर का नाम है पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, यानी कि हमारे बॉडी में क्या क्या पार्ट्स होते हैं। आवर बॉडी ऑर्गन्स, हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं। जस्ट लाइक अ कार, बाइसिकल और अ ट्रक हैज़ डिफरेंट पार्ट्स सच एज गियर, व्हील्स, ब्रेक्स एक्सेट्रा। जैसे कि कार के अंदर, बाइसिकल के अंदर, ट्रक के अंदर अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे कि गियर होता है, व्हील्स पहिए होते हैं, ब्रेक्स होते हैं एक्सेट्रा। आवर बॉडी इज ऑल्सो अ मशीन हैविंग वेरियस पार्ट, वैसे ही हमारी बॉडी भी एक मशीन है जिसके अलग अलग पार्ट्स हैं। द पार्ट्स दैट आर विजिबल आउटसाइड लाइक द हैंड्स, लेग्स, आईज, ईयर्स, फीट एक्सेट्रा। अब जो पार्ट्स हमारे बॉडी में बाहर की तरफ निकले हुए हैं, जो विजिबल हैं, जैसे कि हमारे हाथ, हमारे पैर, हमारे ईयर, हमारी आईज, हमारी फीट एक्सेट्रा, आर कॉल्ड एक्सटर्नल ऑर्गन्स। उनको हम एक्सटर्नल ऑर्गन्स बोलते हैं जिनको हम देख सकते हैं। पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी दैट आर इनसाइड एंड कैन नॉट बी सीन आउटसाइड आर कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन्स। अब वो पार्ट्स हमारी बॉडी के जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है और जिनको हम देख नहीं सकते बाहर से, वो होते हैं इंटरनल ऑर्गन्स। अब इंटरनल ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं। द ब्रेन, लंग्स, हार्ट, लिवर, किडनी एंड लंग्स आर ऑल इंटरनल ऑर्गन्स। अब ये जो सारे ऑर्गन्स हैं, जैसे ब्रेन हो गया, अब ब्रेन को हम देख सकते हैं बाहर से नहीं ना, ब्रेन अंदर है तो ब्रेन हमारा इंटरनल ऑर्गन हो गया। ऐसे ही लंग्स, हार्ट, लिवर, किडनी, ये सारे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं। अब जैसे इंटरनल ऑर्गन्स हम यहाँ देख सकते हैं, ये रहा लंग्स, लिवर, किडनी, इंटेस्टाइन, हार्ट। अब ये सारे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं जिनको हम बाहर से नहीं देख सकते। ब्रेन, आवर ब्रेन कंट्रोल्स ऑल द फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी। अब जो ब्रेन होता है, यानी कि जो हमारा दिमाग है, वो सारे फंक्शंस, यानी कि जो भी काम हम करते हैं उन सबको कंट्रोल करता है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम, ये हमारे नर्वस सिस्टम का एक पार्ट होता है। इट इज़ सिचुएटेड इनसाइड आवर हेड एंड इज़ प्रोटेक्टेड बाय आवर स्कल। ये हमारे हेड के अंदर सिचुएटेड है और ये इसको कौन प्रोटेक्ट करता है, हमारा स्कल प्रोटेक्ट करता है। स्कल हमारा एक बोनी स्ट्रक्चर होता है जो बोन से बना होता है, जिसके अंदर हमारा ब्रेन प्रेजेंट होता है, ताकि हमारा जो ब्रेन है उसको कोई भी डैमेज ना हो। द ब्रेन कनेक्ट्स टू द नर्व्स दैट ट्रैवल थ्रू आउट आवर बॉडी। अब जो ब्रेन है वो हमारे बॉडी से कैसे कनेक्टेड होता है, नर्व्स के थ्रू कनेक्टेड होता है। नर्व्स क्या होती है, बहुत पतली पतली, आप ऐसे कह सकते हो कि धागे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, जो हमारी बॉडी में, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को हमारे ब्रेन से कनेक्ट करके रखते हैं, ताकि उनको सिग्नल मिलता रहे और ब्रेन बताता रहे कि अब आपको क्या करना है। नर्व्स फ्रॉम आवर सेंस ऑर्गन्स, यानी कि अब जो नर्व्स होती हैं हमारे सेंस ऑर्गन से, जैसे कि आईज, ईयर्स, नोज, स्किन एक्सेट्रा, सेंड सिग्नल्स टू द ब्रेन। वो क्या करती हैं, हमारे ब्रेन को सिग्नल देती हैं एंड रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम द ब्रेन, और जो हमारा ब्रेन है वो उनसे सिग्नल लेता है। Also, our brain stores information in the form of memories. अब जो हमारा ब्रेन है वो हमारी इंफॉर्मेशन को कैसे स्टोर करता है, मेमोरीज। जैसे कि सपोज आप कहीं गए हो, आप कहीं घूमने गए, तो अब आपको ऐसे तो याद है नहीं, पर आपका जो ब्रेन है वो मेमोरीज से याद रखता है ना, कि जैसे हम वहाँ गए थे, हमने उधर ये देखा, हमने वहाँ पे ये किया। जब आप पढ़ते हो तो आपको चीज़ें याद कैसे होती हैं, आप पहले उन्हें पढ़ते हो, फिर वो एक इंफॉर्मेशन की तरह आपकी दिमाग में बैठ जाती है। तो ये सब कैसे होता है, हमारे ब्रेन की वजह से। नेक्स्ट आता है लंग्स। लंग्स क्या होते हैं, लंग्स आर द प्राइमरी ऑर्गन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस एंड मैनी अदर एनिमल्स। अब लंग्स, इनको हम हिंदी में फेफड़े बोलते हैं, जो हमारे सबसे प्राइमरी ऑर्गन होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, जिसके थ्रू हम अपनी बॉडी के अंदर सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। तो ये हमारा किस में प्रेजेंट होता है, ह्यूमंस में और बाकी जानवरों में। देयर आर टू लंग्स लोकेटेड नियर द बैकबोन। अब यहाँ पे हमारे दो लंग्स लोकेटेड होते हैं, यानी कि लंग हमेशा हमारे पेयर में होता है, तो इसलिए हम उसे लंग्स बोलते हैं। तो दो लंग्स हमारे प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर, हमारी बैकबोन के पास, यानी कि हमारे पीछे की हड्डी के पास। ऑन ईदर साइड ऑफ द हार्ट टू हेल्प अस टू ब्रीथ, यानी कि वो दोनों तरफ प्रेजेंट होता है। ये रहा अब हमारा जो लंग्स है, यहाँ पर देखो दो तरफ प्रेजेंट होता है, और ये रहा इसके पास हार्ट, तो ये हमारे हार्ट के दोनों साइड लंग्स प्रेजेंट होते हैं। देयर आर टू लंग्स लोकेटेड नियर द बैकबोन ऑन ईदर साइड ऑफ द हार्ट दैट हेल्प अस टू ब्रीथ।
द लंग्स एक्सपेंड व्हेन वी टेक इन ऑक्सीजन. अब जब हम सांस अंदर लेते हैं यानी कि ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तो हमारे जो लंग्स हैं वो फूल जाते हैं. दिस इज कॉल्ड इन्हेलेशन. इसको हम क्या बोलते हैं, इन्हेलेशन, यानी कि हमने कोई चीज़ अपने अंदर ली है, ब्रीदिंग इन. एंड दे कॉन्ट्रैक्ट व्हेन वी एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड. और फिर तब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जब हम बाहर सांस छोड़ते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, एक्सहेल करते हैं यानी कि ब्रीद आउट करते हैं. दिस इज कॉल्ड एक्सहेलेशन. इसको हम एक्सहेलेशन बोलते हैं. ये देखिए, अब इस फोटो में देखिए, हमने सांस अंदर ली, हमारे लंग्स जो थे एक्सपैंड हो गए. उसके बाद जब हमने सांस छोड़ी तो जो हमारे लंग्स जो थे कॉन्ट्रैक्ट हो गए. तो जिससे क्या था, जो हमारे अंदर की जो CO2 जो थी, अंदर की जो सांस थी वो बाहर आई, उसको हम बोलते हैं एक्सहेलेशन. नेक्स्ट आता है हार्ट. हार्ट यानी कि हमारा दिल. द हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन. हार्ट हमारा एक मस्कुलर ऑर्गन है, यानी कि वो मसल्स का बना हुआ है. इट पम्प्स ब्लड टू ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. अब ये क्या करता है, हमारे जो भी बाकी पार्ट्स होते हैं बॉडी के, उनको ब्लड सप्लाई करता है. कैसे करता है, थ्रू द ब्लड वेसल्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम. कैसे करेगा, वो जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की. सर्कुलेटरी सिस्टम वो होता है जो हमारी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट करता है. तो जो हमारी वेन्स और जो आर्टरीज होती है ना, वो हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम में आती है, जो हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक आर्टरीज जो होती हैं ब्लड सप्लाई करती हैं, या ब्लड वेसल्स. ब्लड प्रोवाइड्स द बॉडी विद ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स. ब्लड हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट को प्रोवाइड करता है. इट ऑल्सो कलेक्ट्स द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वेस्ट मटीरियल फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द एक्सक्रीटरी ऑर्गन. अब ये क्या करेगा, जो और कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो वेस्ट मटीरियल होता है हमारे हर बॉडी ऑर्गन से या बॉडी पार्ट से, वो लेकर जाता है और एक्सक्रीटरी ऑर्गन के पास तक छोड़ देता है. विच रिमूव द वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी. जो हमारी बॉडी में से वेस्ट निकालते हैं. आवर हार्ट इज द साइज ऑफ अ फिस्ट. अब जो हमारा हार्ट है वो हमारी मुट्ठी के साइज के जितना है, यानी कि जितनी हमारी मुट्ठी होगी उतना हमारा हार्ट होगा. इन ह्यूमंस एंड अदर मैमल्स एंड इन बर्ड्स द हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स. अब जो हम ह्यूमंस होते हैं और बाकी के जो मैमल्स होती हैं, उनके अंदर हमने हार्ट को 4 चैम्बर्स यानी कि 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. द अपर लेफ्ट एंड द राइट चैम्बर्स आर कॉल्ड द एट्रिया. अब जो अपर लेफ्ट होता है, अब हम जैसे सपोज करें ये हार्ट है, हमने इसको ऐसे 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 4 में डिवाइड कर दिया, तो जो ये ऊपर के 2 पार्ट्स हो गए इनको हम बोलते हैं एट्रिया, और जो नीचे के 2 हो गए इनको हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स. द लोअर लेफ्ट एंड द राइट आर कॉल्ड द वेंट्रिकल्स. अब जो नीचे के ये 2 पार्ट है इनको हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स. ब्लड फ्लोज थ्रू ऑल 4 चैम्बर्स ऑफ द हार्ट. अब जो ब्लड है हमारे हार्ट में वो चारों चैम्बर से फ्लो करता है. डॉक्टर्स हु स्पेशलाइज इन ट्रीटिंग हार्ट डिजीजेज आर कॉल्ड कार्डियोलॉजिस्ट. अब वो डॉक्टर जो हमारे दिल की डिजीजेज को, यानी कि हमारी हार्ट की डिजीजेज को, बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं, या ट्रीट कर सकते हैं, उनको बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट. हेल्थी ह्यूमन हार्ट बीट्स अराउंड 72 टाइम्स अ मिनट. अब हमारा जो हार्ट है, हमारा दिल है, एक मिनट में 72 टाइम्स धड़कता है. आप धक धक की आवाज़ सुनते हो ना, यानी कि 72 टाइम्स वो धड़कता है. नेक्स्ट आता है ब्लड सर्कुलेशन. हार्ट इज द मेन पंपिंग ऑर्गन टू पंप द ब्लड. अब हार्ट जो है हमारा मेन पंपिंग ऑर्गन होता है, जो हमारा ब्लड को पंप करता है. ब्लड सर्कुलेशन थ्रू द ब्लड वेसल्स. जो ब्लड सर्कुलेशन है हमारी बॉडी में कैसे होती है, ब्लड वेसल्स के थ्रू. ये जो ब्लड वेसल्स जा रही है, ये हमारी बॉडी के अंदर ब्लड को सप्लाई करती हैं. द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर कॉल्ड आर्टरीज. अब जो ब्लड वेसल्स, यानी कि अब आपको जो ये रेड वाली ब्लड वेसल्स दिख रही है ना, ये सारी हमारी ऑक्सीजन रिच ब्लड, यानी कि ऑक्सीजन वाला ब्लड सारी बॉडी पार्ट को लेकर जाती है, इनको हम बोलते हैं आर्टरीज. आर्टरीज अपीयर रेड इन कलर एंड हैव थिक वॉल्स. अब ये जो आर्टरीज होती हैं ये रेड कलर की होती हैं, और इनकी जो वॉल्स होती हैं वो मोटी मोटी होती हैं. द ब्लड वेसल्स दैट कैरी इम्प्योर ब्लड कंटेनिंग वेस्ट मटीरियल आर कॉल्ड वीन्स. अब ये जो ब्लू कलर की आपको वीन्स दिख रही हैं, ब्लड वेसल्स दिख रही हैं, ये हमारा इम्प्योर ब्लड लेकर जाती है, यानी कि जिसके अंदर वेस्ट मटीरियल होता है, जो वेस्ट मटीरियल हमारा ऑर्गन या बॉडी पार्ट प्रोड्यूस करता है, वो ये ब्लड लेकर आती है, इनको हम बोलते हैं
वीन्स. द वीन्स अपीयर ब्लू इन कलर एंड हैव थिन वॉल्स. अब भाई कि जो वीन्स हैं ब्लू इन कलर होती हैं और इनकी जो दीवारें होती हैं वो पतली होती हैं. द हार्ट एंड लंग्स वर्क टुगेदर इन क्लोज एसोसिएशन. अब जो दिल है, जो हमारा हार्ट है और जो हमारे लंग्स हैं, फेफड़े हैं, वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं. इन द लंग्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस. लंग्स के अंदर हमारा एक्सचेंज ऑफ गैस टेक प्लेस करता है. कैसे? जैसे मैंने अभी बताया था कि हम सांस अंदर लेते हैं और सांस बाहर छोड़ते हैं, तो वो क्या है, जो हम सांस अंदर ले रहे हैं वो एक गैस ही तो है, ऑक्सीजन एक गैस ही तो है, और जो वो बाहर निकाल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड वो भी तो एक गैस ही है, तो वहां पर एक्सचेंज ऑफ गैस होता है.